हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज मैं फिर से अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ शॉपिंग पे। थोड़ा सामान वगैरह जो है वो ख़त्म हो गया था, ग्रॉसरी जो है वो थोड़ी ख़त्म हो गई थी, लेनी थी, तो फिर से जो है वो हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। और मैं जा रही हूँ दोबारा से इम्तियाज़ सुपर मार्केट। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट जो है वो। थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी और थोड़ा सामान लेना था, तो उसके लिए हम लोग आए हैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट। और हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से भी जो है वो थोड़ा सामान लेना था और सेकंड फ्लोर से भी सामान लेना था। तो पहले हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर। जी तो हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर पहले मैं आई हूँ यहाँ पर क्रॉकरी जैसे देखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे क्रॉकरी बहुत पसंद है, नए नए जो है वो प्लेटर लेना पसंद है, तो मैं बाय करती रहती हूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले जब भी फर्स्ट फ्लोर पर आती हूँ सबसे पहले क्रॉकरी देखती हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छे जो है वो प्लेटर्स वगैरह, डिनर सेट वगैरह जो है वो लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी यहाँ पे आई हुई है। और यहाँ पे सिस्टर वगैरह जो है वो अभी परफ्यूम देख रही है, तो मैं सामने जो है वो टॉयज़ देखने के लिए आ रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे ये, तो मेरी छोटी जो कज़न थी मेरे साथ वो भी बोली थी चले टॉयज़ देख कर आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं टॉयज़ देखने के लिए। टॉयज़ की भी जो है काफ़ी वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये सारे टॉयज़ लगे हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग आए हैं सेकंड फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर पर जो है थोड़ी हम लोग आए हैं ज्वेलरी के सेक्शन में। ज्वेलरी जो है वो लेनी थी, तो और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कलेक्शन जो है वो लगी हुई है ज्वेलरी की। बच्चों के भी छोटे टॉप्स और जो है हेयर बैंड्स वगैरह, एयरिंग्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है यहाँ पर लगी हुई है ज्वेलरी की। और गर्ल्स की भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की वैरायटी जो है यहाँ पे लगी हुई है। उसके भी जो है बहुत अच्छे डिज़ाइन जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पर। ये सारी ज्वेलरी है जो यहाँ पे लगी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर भी जो है वो ज्वेलरी के लगी हुई है, ये जो सेट्स वगैरह लगे हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन जो है इसके अच्छे हैं। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं सेट के। अच्छी ज्वेलरी जो है वो आई हुई है इस टाइम पर इम्तियाज़ सुपर मार्केट में। और ये माला थी जो मेरी छोटी कज़न को पसंद आई है, तो वो अपने लिए जो है ये बाय कर रही हैं। और मुझे जो है एक रिंग पसंद आई थी, तो ये मैं अपने लिए ले रही हूँ। और ये एक रिस्ट वॉच है, ये मेरी सिस्टर को पसंद आई है, तो ये अपने लिए बाय कर रही हैं। ये डबल रिंग थी, बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में थी। इसका भी डिज़ाइन जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं मेकअप के स्टॉल पर। यहाँ सारा जो है वो मेकअप जो है वो लोकल मेकअप लगा हुआ है, लेकिन इसकी भी वैरायटी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। बहुत ज़्यादा वैरायटी मेकअप की लगी हुई है, ब्रांड्स भी हैं, और ये भी मेकअप लगा हुआ है। लिपस्टिक शेड्स भी अच्छे थे। ये डस आई शेडो है, इसकी भी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। ग्लिटर लाइनर था, ये भी जो है वो अच्छा लगा। और ये नेल पॉलिश का एक कलर था जो मुझे पसंद आया, तो मैं ये अपने लिए बाय कर रही हूँ। नेल पॉलिश मैंने अपने लिए ली है। और उसके बाद हमने यहाँ से जो है सामान ले लिया है और हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर से भी जो है वो सारा सामान ले लिया है, सेकंड फ्लोर से भी जो है वो ले लिया है। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए नीचे बेसमेंट में। आज की भी जो है वो शॉपिंग अच्छी रही। फैमिली के साथ शॉपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, एंजॉय भी होता है। तो लास्ट टाइम जब मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी इम्तियाज़ सुपर मार्केट, तो जब भी बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने में, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आज भी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आया शॉपिंग करने में। फैमिली के साथ जो है वो शॉपिंग करने में अच्छा लगता है, टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। तो अच्छा लगता है फैमिली के साथ शॉपिंग करना, टाइम स्पेंड करना। तो अक्सर हम लोग जो है वो साथ ही शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे बेसमेंट में।
यहाँ से भी जो है वो थोड़ा सामान लेना है, ग्रॉसरी वगैरह और कुकिंग ऑयल जो है वो लेना है। तो अब हम लोग यहाँ आए हैं और इसके बाद दोबारा से जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पर। सामान जो है वो ले लिया है, कुकिंग ऑयल वगैरह और जो ग्रॉसरी वगैरह थी वो मैंने ले ली है, और हम दोबारा से जा रहे हैं ऊपर। ग्रॉसरी में भी जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी लगी हुई हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा शॉपिंग करके। फिर से और भी जगह हम लोग शॉपिंग करते रहते हैं, लेकिन इम्तियाज़ सुपर मार्केट में जो है वो वैरायटी बहुत ज़्यादा आई हुई होती है, तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा लगता है शॉपिंग करके। बहुत सारी कंपनीज़ की और अलग अलग चीज़ें जो है वो यहाँ पर लगी हुई होती हैं, तो आसानी के साथ जो है वो यहाँ पर शॉपिंग हो जाती है। जो किचन का सामान है और ज़्यादा चीज़ें हैं वो आसानी के साथ यहाँ पे मिल जाती हैं। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, यहाँ से भी मुझे कुछ सामान लेना है। बहुत ज़्यादा वैरायटी नगेट्स वगैरह की और जो है वो पराठे पैकेट्स जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं यहाँ से जो है वो नगेट्स लूँगी और उसके बाद पराठा, यहाँ पे पराठे के पैकेट रखे हुए हैं, यहाँ से एक पराठा पैकेट लूँगी। और उसके बाद मुझे लेना है ब्लू बैंड मक्खन, तो यहाँ से मैं ये ले रही हूँ एक। रेडीमेड पिज़्ज़ा भी जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ चॉकलेट्स की साइड पर, क्योंकि मुझे जो है वो चॉकलेट्स लेनी है। यहाँ सारी चॉकलेट्स हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो चॉकलेट्स की रखी हुई है यहाँ पर। और ये मैक्स बार है, मैक्स बार जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं अपने लिए बाय कर रही हूँ, एक ही अपने लिए ले रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। और उसके बाद मुझे लेना है यहाँ से पिज़्ज़े का सामान, यहाँ से मैं चैदर चीज़ लूँगी और मोज़रेला चीज़ जो है वो लेनी है मुझे यहाँ से। एक पैकेट मोज़रेला चीज़ का लिया है और एक चैदर चीज़ का, और मुझे यहाँ से पिज़्ज़ा डो, रेडीमेड जो पिज़्ज़ा डो होती है वो लेनी है। मेरी सिस्टर काफ़ी टाइम से जो है वो मुझे बोल रही थी कि पिज़्ज़ा बनाएं, तो आज हम लोग जो है यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं, तो मैं यहाँ से पिज़्ज़े का सामान ले रही हूँ और फिर घर जाके बनाऊँगी पिज़्ज़ा। तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि इतनी आसानी के साथ जो है वो मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो जाता है। ये रेडीमेड जो है मैं यहाँ से ले रही हूँ, अलग अलग कंपनीज़ की यहाँ पर लगी हुई हैं, तो ये मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, इसकी कंपनी की अच्छी हैं और दूसरी कंपनी है वो भी अच्छी हैं। तो मैं यहाँ से ये पिज़्ज़ा रेडीमेड जो है वो पिज़्ज़ा डो ले रही हूँ। और मैंने रोल पट्टी ली है, और एक और जो मिनी पिज़्ज़ा की जो मैंने डो बाई की थी वो मैंने सिस्टर ने हटा दी है, और ये वाली कंपनी के लिए है कि तीन जो है वो लार्ज पिज़्ज़ा बनाने हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने सामान जो है वो ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। जी तो हम लोग बाहर आ गए हैं। आज भी की शॉपिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और शॉपिंग में बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो यहाँ पे लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। तो आज की शॉपिंग भी जो है वो अच्छी रही इम्तियाज़ सुपर मार्केट से। सारा सामान जो है वो कार में रख दिया है और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर। थोड़ी थकन भी हो गई है और इस टाइम पे जो है वो भूख भी लग रही है। तो चाचू ने जो ये स्नैक्स लेके रखे हुए थे, क्योंकि बच्चे गाड़ी जो है वो गाड़ी में ही थे कार में, तो ये स्नैक्स जो है वो लिए थे चाचू ने बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो अब हम लोग ये खाएंगे, चिकन स्टिक है, चिकन पेटीज़ है, और ये चिकन पेटी वगैरह है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। तो हम लोग जो है ये खा रहे हैं और जब तक स्नैक्स इंजॉय करेंगे तो फिर आ जाएगा घर। हम लोग जा रहे हैं अब घर। और घर पे जाके मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा,
जी तो हम आ गए हैं घर और अब मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा जल्दी और आसानी से जो है वो पिज़्ज़ा बन जाता है इस डो से। पिज़्ज़ा की तैयारी जो है मैं करके गई थी, मैंने चिकन टिक्का भी बनाया हुआ था और वेजिटेबल जो है वो भी सौते करके जो है वो रख दी थी कि बस जल्दी से जो है वो चीज़ और डो वगैरह सामान लेकर आएंगे तो जल्दी से पिज़्ज़ा बन जाएगा। तो सिस्टर काफ़ी टाइम से जो है वो बोल रही थी, तो फाइनली आज हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए इम्तियाज़ सुपर मार्केट से, वहाँ से जो है मैं डो और चीज़ वगैरह लेकर आई, तो फिर अब मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। या पैन में भी बना सकते हैं और फ्राई पैन में, पतीली वगैरह में ही बन सकता है, लेकिन मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है तो मैंने पिज़्ज़ा पैन को जो है वो ग्रीस कर लिया है, उसके बाद मैंने उस पर डो रखी और उसके बाद फॉक से जो है वो कट लगाए। कट लगाने के बाद मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस जो भी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ चेदर चीज़ और मोज़रेला चीज़, और उसके बाद इसमें चिकन टिक्का के जो है वो चंक्स डाले हैं। चिकन टिक्का के चंक्स डालने के बाद मैं जो फ्राई डो सौते की हुई वेजिटेबल थी, जो मैंने नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल के ऑयल में जो है वो सौते किया हुआ था वो डाली है, और उसके बाद दोबारा से चेदर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ मैं। ये आपके अपने पर डिपेंड करता है, जो लोग कम खाना चाहते हैं चेदर चीज़ वो कम डाल सकते हैं, जो लोग ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चेदर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मैंने उसके ऊपर ऐड कर दिया, और उसके बाद जो है थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च जो है मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। तवा मैं इस पे जो इसे जो है वो तवे पे बना रही हूँ। तवा मैंने 10 मिनट से जो है वो तेज़ आंच पे गरम पे रखा हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा गरम हो गया है। उसके बाद मैंने इसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर दी है और पिज़्ज़ा ट्रे रखी है तवे पर, और कवर करके जो है मैं इसे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी स्लो फ्लेम पर। स्लो फ्लेम पे पकाने से जो है डो कड़क जो है वो नहीं होती और ना जलती है। तो आप बाद 10 मिनट बाद इसे इस तरीके से छुरी से हटा के जो है वो देख सकते हैं, साइड से डो जो है वो बिल्कुल पकी हुई है और ये पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी। मैंने तवा जो है वो गरम पे रखा हुआ था, इसे भी मैंने 5 मिनट गरम किया है तेज़, इसमें से धुआं निकल रहा है। तो इस तरीके से जो है वो पिज़्ज़े को कलर देना है, 3 से 4 बार इस तरीके से तवा गरम करके कलर देंगे तो चीज़ भी जो है वो मेल्ट हो जाएगी और कलर भी जो है अच्छा आ जाएगा। ये पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है, आपने देखा कितनी जल्दी और आसानी के साथ जो है वो पिज़्ज़ा बन गया है, और ये बिल्कुल भी जो है वो नीचे से इसकी डो जली नहीं है ना ही जो है वो कड़क हुई है। तो स्लो फ्लेम पे जो है वो बनाएंगे 10 मिनट तक, तो ये बिल्कुल सही बनेगा। तो ये मेरा पिज़्ज़ा रेडी है, वो जो पिज़्ज़ा था वो सबने खा लिया है, और इसके बाद मैंने 2 पिज़्ज़ा और बनाए हैं, एक फुल स्पाइसी है और इस वाले को मैंने हाफ स्पाइसी रखा था और हाफ जो है वो कम स्पाइसी है, और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में जो है वो पिज़्ज़ा रेडी है। यहाँ मैंने 3 लार्ज पिज़्ज़ा बनाए हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े के बने हैं। आप लोग भी जो है वो इस तरीके से डो ला के जो है वो कम टाइम में पिज़्ज़ा बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा यमी बना है, और मेरी ससुर की फरमाइश पे आज मैंने जो है वो पिज़्ज़ा बनाया है। सो इम्तियाज़ सुपर मार्केट से जो है वो पिज़्ज़ा डो रेडीमेड पिज़्ज़ा डो लाए थे और सामान थे, उसके बाद मैंने घर आके जो वो पिज़्ज़ा बनाया और आपके साथ जो है वो शेयर भी किया। तो एक और वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसमें जो है मैंने इम्तियाज़ सुपर मार्केट से जो है वो हम लोगों ने शॉपिंग की वो भी मैंने दिखाई आपको, अपनी फैमिली के साथ जो की थी, और वहाँ पर जो वैरायटी अवेल है वो भी आपको दिखाई, और उसके बाद जो मैंने घर पे आके पिज़्ज़ा बनाए हैं वो भी आपके साथ शेयर किया। आप लोग भी लाइए और बनाइए, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे जो है वो लगा आपको पिज़्ज़ा, जितनी आसानी से जो है वो बन जाता है। तो एक और वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसलिए हमारे चैनल को मेरी वीडियो आपको बन जाता है तो लाइक शेयर जरूर कर दिएगा। कल आपको हर तरफ लिया।